तो बच्चों बिहार की जो स्टेट काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है 15 तारीख से। तो अच्छा, इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, मैं उन सबको डिस्कस करूँगा, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सारी चीज़ों की बात करूँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि रिजर्वेशन पॉलिसी में लास्ट ईयर से अभी तक कोई चेंज नहीं आया है बिहार में, है ना। तो अच्छा, जो राजस्थान की, राजस्थान का नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियली आया नहीं है, तो उसके बारे में वीडियो मैं कल बना दूंगा, कल की डेट अगर बोल रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है लास्ट ईयर और इस ईयर के बीच में बिहार में। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1200 रुपये है, 1200, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बेटा ये फ़ीस 600 रुपीज़ है। अब बात करें सिक्योरिटी अमाउंट की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी अमाउंट है वो 10,000 रुपये फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इज़ 5,000, मतलब 5,000 रुपये। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी अमाउंट सेम है सबके लिए, 2,00,000 रुपये, ठीक है। अगर आप प्राइवेट के साथ भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की भी करना चाहते हैं बिहार, सो 2,00,000 रुपीज़ होगी, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़, स्टार्ट डेट तो 15 तारीख है, जैसे कि आज की डेट को स्टार्ट हो गया था, 19 तारीख तक चलेगा। फ़ी पेमेंट की डेट भी 19 तारीख तक है, उसके बाद नहीं होगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट 21 तारीख को आ जाएगी, 21 अगस्त को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट में वही बच्चे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं उनको मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला, आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 23 से 25 के बीच स्टार्ट हो जाएगी, 23 to 25। अच्छा, अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, रिजर्वेशन वाली कैटेगरी जो है, जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो हैं, डिफेंस कोटा वाले जो हैं, वो अपना वेरिफिकेशन उनका तभी होगा, तभी उनको मिलेगा जब उनका सर्टिफिकेट फ्रॉम बिहार होगा, ठीक है, और अप्रैल 2024 के बाद का होगा। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए ऐसा कोई नहीं है, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को, डिसेबल बच्चों को अपनी डिसेबिलिटी प्रूव करने के लिए जो वेरियस सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पर विजिट करना होगा। एक सेकेंड, तो जो बच्चे वैसे ऑल इंडिया में जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा चुके हैं और वहाँ पर पास हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, इस बार बिहार के अंदर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बिहार के सेंटर से ही जाके वेरिफिकेशन कराना होगा फॉर स्टेट एज वेल। बस उनका ये कहना है कि 3 डॉक्टर्स का पैनल होना चाहिए और एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल होना चाहिए जो आपको चेक करें, तो वो एनटीए सेंटर्स पर हुआ ही था, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ जाकर रिजेक्ट हो गए या आप वहाँ गए ही नहीं थे, ठीक है, तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते और आप सिर्फ स्टेट कोटा में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो अभी भी आपके पास एक चांस है, अगर आप वहाँ फेल हो गए थे वेरिफिकेशन में, रिजेक्ट हो गए तो, या आप अभी तक वहाँ नहीं गए तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 15 तारीख, मतलब आज तो जा नहीं सकते थे, लेकिन कल से लेके 19 तारीख तक, ठीक है, 19 तारीख तक, 20 तक भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं 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 19 तक ही बेटा, 19 तारीख तक जाकर सुबह अर्ली, जल्दी हो जाएगा, वहाँ बोर्ड में टाइम लगेगा नहीं, तो वहाँ जाकर अपना वेरिफिकेशन करा लें। प्लीज़ बिहार से बाहर के बच्चे बिहार सेंटर्स पर विजिट ना करें, वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट के बच्चों का होने जा रहा है। अच्छा, कौन कौन से सेंटर्स हैं, पीएमसीएच पटना के अंदर विजुअल एंड लोकोमोटर चेक हो रहा है, एनएमसीएच पटना के अंदर विजुअल एंड लोकोमोटर हो रहा है, आईजीआईएमएस पटना के अंदर विजुअल एंड लोकोमोटर हियरिंग हो रहा है, स्पीच डिसेबिलिटी भी वहाँ पर हो रही है, डीएमसीएच दरभंगा में विजुअल एंड लोकोमोटर है, जेएलएमएनसीएच भागलपुर में विजुअल एंड लोकोमोटर है, एएनएमएमसी गया में विजुअल लोकोमोटर है, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में विजुअल एंड लोकोमोटर है, जीएमसीएच बतिया में लोकोमोटर है, बीएमआईएमएस पवनपुरा में बेटा लोकोमोटर है, जेकेटीएमसी में भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी चेक हो रही है। बात समझ में आ गई, तो आप अपनी डिसेबिलिटीज़ चेक करवा लीजिए इन सेंटर्स पर जाके, आपके पास सुनहरा मौका है, जो बच्चे बाहर रिजेक्ट हो गए थे अभी उनके पास बिहार में मौका बाकी है, जो अपना वेरिफिकेशन करा चुके हैं उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अपना डाउट क्लियर करने के लिए अपने पास के किसी भी सेंटर विजिट करके आप उनसे ज़रूर पूछें, डिसेबिलिटी सेल में जहाँ ये वेरिफिकेशन के लिए बच्चे पहुंचेंगे, आप जाकर आप वहाँ पता कर सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी डन माई वेरिफिकेशन फ्रॉम एनटीए सेंटर जहाँ भी आप गए थे, और आई हैव क्वालिफाइड एंड आई एम एलिजिबल फॉर मेडिकल काउंसलिंग एज वेल, सो व्हाट इज़ द फर्दर प्रोसीजर, आप उनसे पूछ लेना। बट इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन आपके इस बार के बुलेटिन में मैंशन नहीं है। वेटनरी वाले बच्चों के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बच्चे विजुअली चैलेंज्ड हैं या जिनके अपर हैंड में प्रॉब्लम है, उनको वेटनरी ना करने के लिए, मतलब वेटनरी चूज़ करने के लिए मना किया गया है, नहीं तो जो बाद में मेडिकल होगा उस मेडिकल में आपको बाहर कर दिया जाएगा, वेटनरी की सीट आपको नहीं मिलेगी।
MBBS में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आपने अपना वेरिफिकेशन पास कर लिया फ्रॉम एनी ऑफ द NTA सेंटर एंड बिहार के किसी भी सेंटर पर जाकर अगर आपने पास कर लिया है, सो दैट इज इट, आप एलिजिबल हो जाएंगे MBBS एंड BDS के लिए। ये रिस्ट्रिक्शन जो मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी कॉलेजेस के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ें बोली गई हैं, तो अगर वो नहीं करना चाहते तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार बिहार के अंदर बेटा लगभग 60 PWD सीट्स के आसपास हैं, ठीक है, तो कट ऑफ तो बेटा बिहार का हाई जाएगा ही, इसीलिए मैंने बिहार के बच्चों को बोला था कि जिनके नंबर 200 से कम है या 200, 220, 230 भी हैं, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे ताकि उनके चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, मतलब एक MBBS सीट मिलने के चांस उनको बढ़ जाएँ, चाहे यहाँ मिले चाहे बाहर मिले, इट डजेंट मैटर, ऑल इज मैटर एक MBBS सीट, तो वो अगर आपको मिलेगी उसके चांसेस बढ़ जाएँ, तो उसका यही तरीका था कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करें। लेकिन अभी अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते फॉर एनी रीज़न कि आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया बाहर, तो आपके पास एक चांस है कि आप अपने स्टेट के अंदर तो काउंसलिंग में एटलीस्ट पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पास हो गए तो आई होप शायद एक कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है, आप होप फॉर द बेस्ट ही कर सकते हो बच्चे, ठीक है। अब बिहार की कट ऑफ के लिए मैंने एक एक्चुअल अलग से वीडियो बनाकर डाल दिया है और उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से। अगर पहली बार वीडियो पे आए हो ना तो बेटा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। मेरा नाम विकी सिंह है, मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द विकी सिंह TheVikiSingh पर जाकर जुड़ जाएं ताकि आपको मैं पर्सनल गाइडेंस भी दे सकूं फॉर नेक्स्ट फर्दर और भी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।